हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराग ऑटोमेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम CX प्रोग्रामर के अंदर एक रेड लाइट, जो आप लाल बत्ती जिसे बोलते हैं, रेड लाइट जो भी ट्रैफिक्स वहाँ पर खड़ी होती हैं, जो भी वहाँ पर रेड लाइट को देख के स्टॉप होती हैं, येलो लाइट्स पे, ग्रीन लाइट्स पे जाके बढ़ती हैं, वो कैसे हम उसको PLCs के अंदर में बना सकते हैं। ओमरॉन PLCs का सॉफ्टवेयर CX प्रोग्रामर में कैसे उसका एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा CX प्रोग्रामर के अंदर। इसके बाद में आपको यह बहुत ही इजी लगेगा। आज मैं आपको इसके लिए टाइमिंग्स क्या क्या रहेंगी, जो भी रहेंगी, मैं आपको इसके साथ साथ प्रोग्राम क्रिएट करके साथ साथ में समझाता भी रहूँगा और उसको बताता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको CX प्रोग्रामर को ओपन कर लेता हूँ। देन मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं CP1E PLCs में इसको क्रिएट करने वाला हूँ और ये आपके पास में मेरे पास एक ब्लैंक पेज मिल गया है। सबसे पहले मैं इसमें ओनली केवल रेड लैम्प, येलो लैम्प और ग्रीन लैम्प के ही नेमिंग को दूंगा। बाकी जो भी प्रोग्रामिंग मैं इसके अंदर दूंगा वो प्रोग्रामिंग का मैं कोई नेमिंग नहीं करूँगा, ओनली मैं स्टार्ट के लिए प्रोग्रामिंग का यहाँ पर यूज़ करूँगा। मैं 0.01 यूज़ किया है, ये स्टार्ट, इट मीन्स मेरे को स्टार्ट करना होगा और मैंने इसके लिए स्टार्ट क्लिक दे दिया। देन मैं एक स्टॉप के लिए यूज़ कर लेता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर आउटपुट कॉइल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कॉइल के लिए एक मेमोरी एड्रेस का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा कि हम मेमोरी के लिए कौन से एड्रेस, जो कौन सी सीरीज़ का यूज़ करेंगे, कौन से हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, कौन से हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, वो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा। ये मैं मेमोरीज के लिए कुछ नहीं लिखता हूँ और मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। देन मैं सेकेंड लाइन में अगेन मैं मेमोरी को यूज करता हूँ। मैंने मेमोरी का यूज करके मेरे को एक बेनिफिट ये रहेगा कि मेरे को इसके लिए जो भी आउटपुट के लिए IOs होंगे वो मेरे पास में सेव हो जाएंगे, वो मेरे को कहीं और मैं उनको अच्छे से यूज कर पाऊंगा। देन मैं मेमोरी लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर एक कोयल यूज कर लेता हूँ। एंड देन मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ रेड लैम्प। सॉरी, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ पर एक NO ले लिया है। यहाँ पर मेरे को एक कोयल यूज करनी है जो कि 10.0 रहेगी और मैं इसकी कोई मेमोरी नहीं शो करूँगा। एंड देन यस 10.0 बाय मिस्टेक मैं यहाँ पर एक NO यूज कर लिया था, बट यहाँ पर आउटपुट कॉइल यूज करनी थी मेरे को। एंड देन मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं फिर से एक मेमोरीज के लिए, बिकॉज क्या रहेगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करूँगा, देन जो सिग्नल है मेरी मेमोरीज में जाके सेव हो जाएगा। अब इस मेमोरीज को मैं हर जगह पर यूज़ कर लूँगा, इसके लिए मैं 10.01 अदर मेमोरीज अगर मेरे को यूज़ करनी है उसके लिए अदर मेमोरीज करनी है, ऐसे कर करके मैं इसकी वैल्यू देता रहूँगा। अभी जो मेरा डिफरेंस होना चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को 5 सेकेंड्स का रेड लाइट, 5 सेकेंड के बाद में येलो लाइट, 5 सेकेंड्स के बाद में ग्रीन लाइट, ऐसे करके मेरे को सिग्नल्स क्रिएट, सिग्नल का, रेड लाइट का पूरा लॉजिक क्रिएट करना है। उसी हिसाब से मैंने मेमोरी यूज़ किया और मैंने रेड लाइट को, लैम्प को ग्लो करा दिया। इसके बाद में मैं मेमोरी यूनिट यूज़ करता हूँ।
मेमोरी यूनिट को यूज करूंगा और एक टाइमर इसके अंदर में इंसर्ट कर दूंगा, बिकॉज जैसे ही मेरी मेमोरीज में जाके जाएगी उसके बाद में मेरा रेड लैम्प ग्लो करेगा, उसके 5 सेकंड के बाद में येलो ग्लो करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पर टाइमर टाइमर के लिए मैंने आपको बताया था TIM एड्रेस हैश कितने सेकंड बाद 5 सेकंड, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ टाइमर 1 और ये यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब आप देखने जाओगे कि जब ये टाइमर ऑन हो जाए, जब ये टाइमर ऑन हो जाए इस टाइमिंग के कुछ देर बाद, इस टाइप की टाइमिंग से येलो लाइट ऑन हो जाए, इट मींस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था टी अगर ऐसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो हमारा टाइमर का जो इस टाइमर का मेरे को कहीं अदर जगह पर रेफरेंस यूज़ करना है, मैं इसको टाइमर 1 के रेफरेंस से यूज़ कर सकता हूँ और अब मैं 10 सेकंड के बाद में येलो लैम्प ग्लो कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ येलो लैम्प, जैसे मैंने किया अब ये येलो लैम्प, बट इसके आफ्टर सॉरी इसके 5 सेकंड्स के बाद में मेरा थर्ड थर्ड लैम्प जो है ग्रीन करना चाहिए, थर्ड लैम्प इट मीन्स ग्रीन जो है ग्लो करना चाहिए। इसके लिए मैं फिर क्या करता हूँ, फिर मैं एक टाइमर यूज़ करता हूँ, जैसे ही मेरा येलो ऑन होगा इमिडिएटली मेरा 5 सेकंड्स ऑन हो जाएंगे। येलो कब हुआ, जैसे ही मेरा टाइमर की वैल्यूज यहाँ पर आती है, जैसे ही टाइमर की वैल्यू आती है इमीडिएटली मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर TIM टाइमर 01 हैश और फिर 5 सेकंड के लिए मैं एक अदर टाइमर यूज़ कर लेता हूँ। मैंने एक एक दो टाइमर यूज़ कर लिया है और जैसे ही इस टाइमर के 5 सेकंड पूरे होंगे मैं इसका एक रेफरेंस इसका एक यूज़ कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं ग्रीन पहले मैं फर्स्ट मैं एड्रेस देता हूँ देन मैं इसको ग्रीन लैम्प लिख देता हूँ। जैसे मैं इसको ग्रीन लैम्प किया अब आप इस पूरी को ध्यान से देखेंगे कि मैंने स्टार्ट बटन प्रेस किया देन स्टॉप आपका हेल्दी है तो देन मेरे को मेमोरी के पास ये वैल्यूज़ स्टोर हो जाएगी, मेमोरी के साथ में रेड लैम्प ग्लो करेगा, उसी समय मेमोरी से ही मेरा टाइमर का 5 सेकंड ऑन हो जाएगा। जैसे ही 5 सेकंड ऑन हो जाएंगे हमारा टाइमर जो हमने रेफरेंस दिया हुआ टाइमर का उससे हमारा येलो ग्लो करेगा और उसके 5 सेकंड में ही तुरंत टाइमर चालू हो जाएगा, उसके बाद में ग्रीन ऑन करेगा और ये जो प्रोसीजर है इसके तुरंत बाद मेरे को अगेन मेरा ये प्रोसेस है वो रिपीट होना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन एक 5 सेकंड का टाइमर जो है यूज़ करता हूँ, उसके लिए मैं टाइमर का ही एड्रेस यूज़ करता हूँ जो मैंने सेकंड टाइमर यूज़ किया था और मैं इसमें एक और टाइमर यूज़ कर लेता हूँ, सॉरी मैं टाइमर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ टी टाइमर रेफरेंस नंबर 1 देन ओके देन एक टाइमर सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर TIM 002 एंड देन हैश 50 मिली 5 सेकेंड इट मीन्स एंड देन ओके इट मीन्स टाइमर 3 ओके देन जैसे ही ये टाइमर ऑन हो जाए इस टाइमर के बाद में अगेन मेरी मेमोरी इट मीन्स यहाँ पर
यहाँ पर अगेन मेरे को मेमोरी तो ऑलवेज मेरा फील रहेगा जब तक मैं स्टार्ट बटन मेरा पुश रहेगा, जब तक मैं अब स्टॉप नहीं करूँगा। बट जैसे ही मैं इस पे टाइमर यहाँ पर आपका कि मैं टाइमर 2 का रेफरेंस यहाँ दे देता हूँ। ये मेरा अभी प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर भी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत समझ में आया है, अभी आपको कन्फ्यूजन्स बहुत सारे होंगे, बट जब मैं इसको सिमुलेशन में लेके जाऊंगा आपके सभी कन्फ्यूजन्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सेम एरर चेक किया, वार्निंग चेक किया, सब 0 है और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी आप चेक कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं इसकी वैल्यूज को 1 करता हूँ, आप चेक करेंगे काउंटर चालू हो गया 5 सेकंड का। जैसे ये हुआ उसके बाद में येलो हो गया, सेम नेक्स्ट काउंटर चालू हो गया, देन इसका काउंटर 0 हुआ तो नेक्स्ट काउंटर चालू हो गया, देन ग्रीन ऑफ हुआ, अगेन रेड चालू हो गया। ये सेम प्रोसीजर ऐसे रिपीट करता रहेगा। फर्स्ट 5 सेकंड के लिए येलो, देन सेकंड के लिए सॉरी फर्स्ट 5 सेकंड के लिए रेड, फिर येलो, फिर ग्रीन, ऐसे ये कंटिन्यूसली रिपीट करता रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे रिपीट कर रहा है। जैसे हम स्टार्ट बटन यहाँ पुश करते हैं, अगर स्टॉप मेरा हेल्दी है तो मेमोरीज में जाके वैल्यू स्टोर हो जाती है और 1 हो जाता है। जैसे ये 1 हो जाएगा, इमिडिएटली मैंने टाइमर, जो कि मेरा टाइमर T1 है, उसका मैंने यहाँ पर NC कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। NC इट मीन्स कि जैसे ही ये टाइमर का 5 सेकेंड, इस टाइमर का 5 सेकेंड कंप्लीट होगा, मेरा रेड लैम्प ऑफ हो जाएगा। सेम मैंने येलो लैम्प में भी ऐसे ही दिया हुआ है, जैसे ही मेरा 5 सेकेंड कंप्लीट होगा मेरा येलो लैम्प भी ऑफ हो जाएगा। सेम मैंने ग्रीन लैम्प में भी ऐसा दिया हुआ है, जैसे ही मेरा 5 सेकेंड कंप्लीट होगा मेरा ग्रीन लैम्प भी ऑफ हो जाएगा। बट इस प्रोसेस को मैंने ऑफ कर दिया है, बट कंटिन्यूसली रिपीट करने के लिए मैंने जो टाइमर T2 था उसकी वैल्यूज़ को मैंने अगेन यहाँ पर टाइमर T1 में यहाँ पर मैंने पुट किया है, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रिपीट होती रहे। मैं आपको ये रिमूव करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये होगा। अगर मैं इस वैल्यूज़ को रिमूव कर दूँ, से मैं इसको सेव कर दूं, सॉरी मैं इसको अभी सेव नहीं करता, मैं डायरेक्ट सिमुलेशन में जाता हूं और मैं इसको सिमुलेट करता हूं। अब देखेंगे जैसे ही मैं इसकी वैल्यूज को 1 करता हूं, अब 5 सेकंड के लिए रेड ऑन होता है, डाउन जाता है, नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए रेड ऑफ हो गया है, येलो ओपन रहेगा, उससे नेक्स्ट के लिए ग्रीन रहेगा, एंड देन इसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी लाइन ग्लो नहीं कर रहा है। यह प्रोसेस जो है रिपीट नहीं हो रही है। मे बी आपका स्विच ऑन है, आप स्विच 0 कर दीजिए, देन इसको 1 कर दीजिए, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी, बट ऑटोमेटिक ये प्रोसेस रिपीट नहीं होगी। इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक रिपीट करने के लिए ही मैंने इस लास्ट वाले टाइमर का, टाइमर 3 का जो मैंने रेफरेंस था वो टाइमर 1 में दिया था, ताकि जैसे ही ये टाइमर ऑफ हो, जैसे ही ये टाइमर की वैल्यू 0 जाए, इमीडिएटली ये सिग्नल दे टाइमर 1 को, टाइमर 1 अगेन रिस्टार्ट होके अगेन स्टार्ट हो 5 सेकंड के लिए, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस रनिंग रहे। मैं आपको अगेन इसमें
चेक कर देता हूँ, T002 हमारा टाइमर का एड्रेस है और मैं सिमुलेशन में जाता हूँ। यहाँ पर जीरो एरर है, जीरो वार्निंग है, तो मैं जैसे ही स्टार्ट देता हूँ आप चेक करेंगे, रेड लैम्प, डाउन काउंटर, डाउन टाइमिंग स्टार्ट है, येलो आ गया, देन ग्रीन आ गया, देन अगेन ये सेम प्रोसेस रिपीट करेगी थ्रू इस रेफरेंस की। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक रेड लाइट, जो ट्रैफिक की रेड लाइट होती है, उसको हम, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उसकी लॉजिक कैसे होती है, कैसे हम यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसे आप बहुत ही घर में बैठ के इजीली बना सकते हैं। अब मैं जो भी मेरी हार्डवेयर में, लैम में, मेरे को जहाँ जहाँ भी जो भी वैल्यूज़ हार्डवेयर में मेरे को आयोज निकाल के वो लगाने हैं, एंड देन मेरा ये PLC कम्प्लीटली वर्क करेगा। आप यहाँ से ट्रैफिक लाइट का जो भी लॉजिक था आज मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपको ये लॉजिक जो है कभी भी कोई भी इशू नहीं आएगा। आप बहुत ही ईजिली यहाँ पर सभी तरह के लॉजिक यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। बस जस्ट आपको उसको थिंक करना है, सोचना है अच्छे से क्या आपको चाहिए, उसके लिए आपको करेक्ट, क्या आपको वहाँ पर NO यूज़ करना है, NC यूज़ करना है, टाइमर यूज़ करना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप यूज़ करेंगे और कोई भी लॉजिक यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।